नमस्कार, आज मैं अर्नव दीवान, आईआईटी मुंबई का एक छात्र, आप लोगों को गति यानी मोशन के तीसरे भाग या अंतिम भाग के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। हम इस भाग में केवल कुछ प्रश्न करेंगे जिससे आप जिनके आधार पर आप आगे काफ़ी सारे प्रश्न के उत्तर निकाल सकते हैं। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने गति का वर्णन पढ़ा था और सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा था। हमने एक समान और असमान गति के बारे में पढ़ा था। हमने वेग कैसे निकालते हैं वह पढ़ा था और हमने दिशा के साथ चाल के बारे में भी पढ़ा था। हमने त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और हमने पिछले भाग में गति के ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में भी पढ़ा था। हमने पिछले भाग में और ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के बारे में भी पढ़ा था, जो हमारे तीन समीकरण देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बारी ये तीन समीकरण दोबारा से याद कर लें, क्योंकि इन समीकरणों के द्वारा ही हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाते हैं या निकाल पाते हैं। यहाँ पर ग्राफीय विधि से गति के समीकरण मैंने एक बार दोबारा लिखे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था ये करने काफी आवश्यक है। अब यहाँ पर जो तीन समीकरण है वह है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और 2as is equal to v square minus u square। अब यहाँ पर u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलता है। v अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण है वह वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करता है, तथा जो हमारा दूसरा समीकरण है वह समय व स्थिति के बीच में संबंध व्यक्त करता है। जो हमारा तीसरा समीकरण है वह हमारे पहले दो समीकरणों से प्राप्त होता है, जो हमें दूरी और वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग में संबंध व्यक्त करता है। आप थोड़ा सा समय इनको एक बार दोबारा से देखने में लगाएं, इनसे ही हम आगे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। अब हम यहाँ पर अपना पहला उदाहरण देखेंगे। अब इस उदाहरण में यह लिखा है कि एक गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट में 72 किलोमीटर पर आर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो हमें यह निकालना है यानी हमें यह परिकलन करना है कि त्वरण कितना है और वेग प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारी जो प्रारंभिक वेग है वह शून्य है यानी जीरो है, और हमारा अंतिम वेग 72 किलोमीटर पर आर यानी 20 मीटर पर सेकेंड है। यह आप निकाल सकते हैं कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलना है। और यहाँ पर यह दिया गया है कि t यानी हमारा टाइम 10 मिनट यानी 600 सेकंड है। अब दी गई जानकारी से हम त्वरण निकाल सकते हैं। अब त्वरण हमारे पहले गति के समीकरण से v माइनस यू बाई टी होता है, यानी 20 मीटर पर सेकंड जो हमारा वेग आता है, माइनस 0 मीटर पर सेकंड बाई 600 सेकंड, जिससे हमारा त्वरण 1/30 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे गति के समीकरण का उपयोग करें तो हमें यह पता चलता है कि दूरी यानी s ut plus half at square के बराबर होती है। यहाँ पर हम तीसरा समीकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी सुविधा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी समीकरण का उपयोग करना चाहेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा s है वह 0 इंटू 600 प्लस हाफ इंटू 1/30 इंटू 600 इंटू 600 है, क्योंकि हमारा जो समय यानी t है वह 600 है और हमारा प्रारंभिक वेग u यानी 0 है, और हमारा त्वरण जो हमने ऊपर निकाला है वह 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऐसे हमारा जो दूरी है वह 600 मीटर यानी 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर आ जाती है। एक बार आप ये देख लें कि हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला, क्योंकि ये इन तरीकों को जानने से ही आप आगे के प्रश्नों के उत्तर भी
आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इस उदाहरण में हमें यह कहा गया है कि किसी बस के ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने समय में तय की गई दूरी का गणना करें। अब यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि हमारा जो त्वरण यानी ए है वह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नेगेटिव लिया है, यानी हमने उसे शून्य से कम लिया है। ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा त्वरण है वह हमारे बस के चाल के विपरीत लग रहा है, इसलिए हम उसे नेगेटिव यानी शून्य के नीचे लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो समय दिया गया है वह 2 सेकंड है और हमारा जो अंतिम वेग है वह शून्य यानी 0 मीटर्स पर सेकंड है, क्योंकि अंत में बस रुक जाती है। अब यहाँ पर पहले समीकरण के द्वारा हम u यानी प्रारंभिक वेग निकालेंगे। अब 0 = u (-5 m/s² (2 सेकंड). यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम त्वरण को नेगेटिव क्यों लेंगे, वह दर्शाया गया है। अब इससे हमारा हमारा वेग 10 m/s आ जाता है। आगे हम दूसरे समीकरण से दूरी निकालेंगे। अब दूरी s = ut + ½ at² के समान होती है। अब यहाँ पर हमारा जो u है वह 10 m/s है और जो हमारा t यानी समय है वह 2 सेकंड है, और हमारा जो त्वरण जो हमें दिया गया है वह 5 m/s² है। तो इससे हमारा दूरी 20 m - 10 m यानी 10 m आ जाती है। हमने आज के भाग में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर निकालने के लिए गति के समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं वह देखा। हम इन्हीं तरीकों से कोई भी प्रश्न अगर हमें दिया गया हो तो हम उनका उत्तर निकाल सकते हैं। हमने इन 3 भागों में गति के बारे में काफी कुछ पढ़ा, जैसे कि एक समान गति, गति के समीकरण, गति का ग्राफीय प्रदर्शन और आदि। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।